नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरड यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं एस बी आई सिक्योरिटीज़ में तो वीडियो देखते रहे वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना सबसे पहले जो एस सिक्योरिटीज़ का जो भी मोबाइल ऐप है उसको आप लॉग कर लो लॉग करने के बाद दोस्तों ये आपका वॉच लिस्ट दिखाई देगा वॉच लिस्ट में आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है ऐड कर सकते हो मान लो मुझे यहाँ पर ऐड करना है एच डी लाइफ तो मैं यहाँ पे एच डी एफ सी लाइफ यहाँ पे जो है आपको ऐड कर रहा हूं यहाँ पे देखो एच डी एफ सी लाइफ यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे इंडिया में दो एक्सचेंज है एन एस सी और बी एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप किसी पे भी बाई सेल कर सकते हो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपका जो स्टॉक टी प्लस टू और डेज के बाद डीमेट में चला आएगा उसके बाद ना वो एन एस सी का रहेगा ना बी एस सी का रहेगा आप किसी भी एक्सचेंज पे सेल कर सकते हो

जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो टू सेवेंटी रुपीज के आसपास का है बैंक दोनों सेम है इसलिए मैं फंड होल्ड पे क्लिक करूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बिना नेट बैंकिंग यूजर आई डी पासवर्ड के मेरा फंड जो है होल्ड हो जाएगा यहाँ पे देखो फंड होल्ड हो गया है अगर आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक होगा तो क्या करना होल्ड फंड पे क्लिक करना ओन पर क्लिक करने के बाद ट्रांसफर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करना जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अमाउंट पुट करके आप ट्रांसफर फंड मतलब अपने बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड पुट करके फंड ट्रांसफर कर लो इसके बाद मैं बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ बैक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एच डी लाइफ दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है तो दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखना आप जो है डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते आप इंटरट एम ही करना होगा शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है सेम डे आप स्टॉक सेल करो और उसको शाम से पहले बाय करना होगा अगर आप बाई नहीं कर पाते हो अगर मान लो किसी कारणवश आप भूल गए आपका ब्रोकर भी भूल गया तो आपको ऑक्शन पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर मान लो स्टॉक सेल करने के बाद ट्री प्लस टू वर्किंग डेज में ऊपर चला जाता है तो आपको उसका डिफरेंस जो भी लॉस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा एज ए ऑक्शन पेनल्टी तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा शॉर्ट सेलिंग में सेम डे आपको स्टॉक सेल करना है और कोशिश करना है थ्री फिफ्टीन या थ्री टेन पी से पहले आपको उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना है मतलब बाई कर लेना है अगर ये नहीं करते हो तो ऑक्शन पेनल्टी पे करने के लिए तैयार रहो अगर आपका ब्रोकर स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाता है तो विद इन थ्री थर्टी ये चीज आप समझ गए इसके बाद जो है आपको एन एस सी बी एस सी है दो एक्सचेंज है आप किसी पे भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बाय और सेल है तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है सेल करना है सेल मतलब पहले आप सेल करो क्योंकि आपने पहले सेल कर दिया है स्टॉक नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होने वाला है सिंपल टर्म में समझें बाई में क्या होता है आप स्टॉक बाय करते हो स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है सेल में इसका उल्टा होता है सेल में क्या होता है आपको लग रहा है स्टॉक नीचे आएगा आप पहले सेल करते हो और वो जितना नीचे आता है उतना आपका जो है प्रॉफिट होता है अगर सेल करने के बाद स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया तो आपका लॉस होगा बाई में क्या होता है बाई करने के बाद स्टॉक नीचे आना स्टार्ट कर दिया तो आपका लॉस होने वाला है सिंपल टर्म बाय का उल्टा सेल में है तो शॉर्ट सेलिंग होता है पहले आपको सेल करना है फिर आपको बाय करना है इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे मार्केट डेफ्थ है चार्ट है प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है आज का ओपन हाई लो दिख रहा है 52 वीक हाई लो दिख रहा है आज का अपर सॉकेट लोअर सर्किट दिख रहा है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस ये दिख रहा है वॉल्यूम आपका ये दिख रहा है यहाँ पे जो है मार्केट डेफ्थ में ऑफर प्राइस का मतलब होता है इतने प्राइस पे इतना क्वांटिटी सेलर जो है सेल करने के लिए तैयार है बिड का मतलब होता है इतने प्राइस पे इतना क्वांटिटी बायर बाय करने के लिए तैयार है यहाँ पे देखो थ्री फाइव वन फाइव टेन ट्वेंटी पैसे का डिफरेंस है टेन पैसे ट्वेंटी पैसे का डिफरेंस है तो आप ये मान लो लिक्विडिटी अच्छी है कंपनी अच्छी है तो इसको आप मार्केट में बाय सेल कर सकते हो अगर मान लो किसी कंपनी में डिफरेंस ज्यादा रहा 85 का है 80 पे बायर है तो उस केस में आप क्या करो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो जिस पे जो है स्टॉक चल रहा है समझ गए तो मार्केट में बाइसल मत करना उसको तो यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है एट्टी फाइव एट्टी फाइव थ्री फाइव टू फाइव टेन परसेंट का डिफरेंस है तो आप बाइसेल कर सकते हो तो यहाँ पे मैं बैक कर दे रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ गए ये चीज यहाँ भी मार्केट डेप्थ ही है डिलीवरी नहीं रखना आपको इंटरा करना है शॉर्ट सेलिंग आपको इंटरा में करना है यहाँ पे ध्यान रखना कोई कोई स्टॉक्स में आपको शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं होगा वो डिपेंड करता है स्टॉक का क्वालिटी कैसा है ब्रोकर हर स्टॉक पे शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं देता तो देख लेना आपका ब्रोकर जो है उस स्टॉक पे अलाउ करता है या नहीं करता है तो यहाँ पे इंटर हो गया शॉर्ट सेलिंग मान लो जो भी क्वांटिटी है मान लो मुझे क्वांटिटी सेल करना है मान लो फाइव तो मान लो मैंने यहाँ पे फाइव क्वांटिटी प्लेस कर दिया यहाँ पे मार्केट है मार्केट में मतलब जो भी प्राइस होगा मार्केट में मतलब सेल कर रहे हो बाजार का जो भी प्राइस होगा उस पर यह सेल हो जाएगा नहीं सर जी मुझे तो मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा और ऊपर आएगा मैं ऊपर से सेल करूँगा क्योंकि स्टॉक इसमें नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होने वाला है सिक्स एट्टी फाइव है तो मुझे सिक्स एट्टी सिक्स पे जो है सिक्स एट्टी सिक्स पे सेल करना है तो सिक्स एटी सिक्स का मैंने ऑर्डर लगा दिया अब देखते हैं यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर है नो योर मार्जिन यहाँ पे क्लिक कर दो मार्जिन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है सिक्स एट्टी सिक्स रुपीज़ मांग रहा है ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड का स्टॉक है फाइव टाइम्स का मार्जिन आपको मिल रहा है अगर आप इंटरा करते हो शॉर्ट सेलिंग या फिर बाइंग भी करते हो आपको फाइव टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है तो इंटरा आप करोगे फाइव टाइम्स का मार्जिन मिलने वाला है एस सिक्योरिटीज में वो ध्यान रखना मोड पे चले आओ मोड पे आओगे तो वैलिडिटी डे ही रखना है आईओसी मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल या तो उसी समय ऑर्डर प्लेस होगा या कैंसिल हो जाएगा डे का मतलब होता है ऑर्डर जो है वैलिड रहेगा नाइन फिफ्टीन से लेके थ्री थर्टी के बीच में और थ्री थर्टी से पहले एट सिक्स एटी सिक्स आया तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और आपको कोशिश करना है कि थ्री पी से पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर दो मतलब क्लोज कर दो पोजिशन को कैसे करना हो तो बता रहा डे ही रखना प्राइस डाल दिया मैंने यहाँ पे सेल का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करो जैसे ही आप क्लिक करो ये कन्फर्म का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है गो टू ऑर्डर बुक पे आ जाओ जैसे ही आप ऑर्डर बुक पे आओगे यहाँ पे देख लो आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग में 686 का पेंडिंग में है आपका एल टीपी चल रहा है 685.05 तो यहाँ पे आप समझ गए कि आपका ऑर्डर पेंडिंग में है इसको सर मुझे अब मार्केट में सेल करना है कैसे करना है मैंने बता दिया लिमिट ऑर्डर कैसे होता है लगाते हैं फिर यहाँ पे आप आ जाओ ऑर्डर बुक में फिर इक्विटी पे यहाँ पे एफ एंड ओ करते हो तो डायरेविटी पे चले आना करेंसी करते हो तो यहाँ पे चले आना इक्विटी पे आ गए इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे मॉडिफाई या कैंसिल है अगर आपको कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर को मॉडिफाई करना है मॉडिफाई पर क्लिक करो सिंपल है मार्केट में आपको बाय करना है मार्केट का प्राइस है यहाँ पे टिक कर दो जैसे ही आप टिक करोगे जीरो जीरो हो चुका है ही रखना है मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करो जैसे ही आप क्लिक करोगे कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर दो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है मतलब आपने स्टॉक पहले सेल कर दिया है गो टू ऑर्डर बुक पे आओ आ गया गो टू ऑर्डर बुक पे यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेड हो गया है दोस्तों ये मैंने लॉन्ग टर्म स्टॉक बाय किया हुआ है इसका मैंने वीडियो बना दिया हाउ टू बाय लॉन्ग टर्म स्टॉक्स वो देख लेना यहाँ पे मैंने पहले सेल कर दिया तो यहाँ पे देख लो ऑर्डर मेरा सेल हो चुका है यहाँ पे एल टीपी चल रहा है अब आना है ट्रेड पे आपको ट्रेड पे कन्फर्म कर लो आपका ऑर्डर सेल हो चुका है पहले सिक्स चल रहा है एवरेज ट्रेड प्राइस आपका पे मैंने सेल किया हुआ है तो यहाँ पे आ गया टुडे पोजीशन में आ जाओ यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान रखना जो भी आपका डिलीवरी स्टॉक्स में प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है उससे मतलब नहीं है ये आपने बाइक किया है इसको आप छोड़ दो इसको आपको स्क्वाड ऑफ नहीं करना यहाँ पे जो है डिलीवरी वाले स्टॉक्स में कुछ भी छेड़खानी मत करना आपने सेल किया हो तो भी आपने बाइक किया हो तो भी यहाँ पे देख लो इंटरा में आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है आपको इसको क्लोज करना है नेट क्वांटिटी माइनस फाइव है इसको आपको जीरो करना है माइनस फाइव अगर बाय करते हो तो प्लस फाइव जीरो हो जाएगा तो वो चीज ध्यान रखना और कोशिश करना थ्री पी से पहले खुद ही स्क्वायर ऑफ़ कर दो नहीं स्क्वायर ऑफ करते हो तो ब्रोकर स्क्वायर ऑफ करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वो ले लेगा तो ये चीज समझ गए इसके बाद मैं आपको आता हूँ कैसे स्क्वायर ऑफ करते हैं बताने वाला हूँ इससे पहले मैं आता हूँ इस थ्री बार पे क्लिक किया लिमिट पे क्लिक किया ऑलमोस्ट यहाँ पे सेवनटीन हंड्रेड के आसपास था यहाँ पे आपको सिक्स हंड्रेड रुपीज ब्लॉक हुआ है फिलहाल अभी भी जो है वन थाउजेंड रुपीज बच रहा है तो आप समझ गए इंटर में आपको फाइव टाइम्स का मार्जिन मिल जाएगा अगर आपके पास वन लाख रुपीज तो लाख रुपीज तक का आप सेलिंग या फिर बाइंग कर सकते हो इंटर में तो मैं यह चीज समझा दिया फंड आपको टोटल लिमिट ये रहा आपका यूटिलाइज लिमिट ये रहा आपका कैश डिलीवरी आपका ये रहा जिसका मैंने कैश डिलीवरी उठाया हुआ है इंटर के लिए मैंने जीरो फाइव रुपए ब्लॉक हुआ है तो यहाँ पे देख लो अगर आप होल्डिंग के लिए स्टॉक बाय करते हो तो कैश डिलीवरी में आपको यहाँ पे दिखाने वाला है अगर आप इंट्रा करते हो तो यहाँ पे इंटर में जो भी अमाउंट होगा वो आपको दिखाने वाला है तो मैं यहाँ बैक कर देता हूं आपको बताऊं आपको स्क्वाड ऑफ कैसे करना होता है यहाँ पे टूडे पोजिशन दिख रहा है जो भी है ऑर्डर बुक पे आना है आपको ऑर्डर बुक पे आने का टू पोजीशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो एवरेज ट्रेड प्राइस 685 मतलब मैंने 685 पे जो है फाइव क्वांटिटी सेल किया हुआ है अब स्टॉक ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होने वाला है स्टॉक नीचे आएगा तो मेरा प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पे अगर आपको एड मोड का मतलब होता है यहाँ पे बाइंग नहीं होता आपने सेल किया है पहले एड मोड मतलब और सेल करो अगर आपको लगता है कि और ही नीचे आने वाला है मुझे और ऐड करना है क्वांटिटी तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो सेलिंग में ध्यान रखना आपको कंपलसरी स्क्वायर ऑफ करना होगा क्योंकि एच टी एफ सी लाइफ जो है मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है तो ध्यान रखना वो शॉर्ट सेलिंग किया हो इंट्राडे में तो आपको आपको जो है ये शॉर्ट डिलीवरी माना जाएगा अगर आप डिफॉल्ट होते हो बाय करने से पहले थ्री पीएम से पहले या फिर थ्री थर्टी पीएम से पहले तो इंट्राडे है तो इंट्राडे में ब्रोकर थ्री पीएम के बाद स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देता है तो ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन पर क्लिक करो जैसे ही स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन पर क्लिक करोगे एक दो चीज ध्यान रखना आप एनएससी में ऑर्डर प्लेस किया है तो एनएससी में सेल करना है एन में सेल किया तो एन में बाई करना है एन में बाई किया तो एन में सेल करना है बाई किया है सेल किया था मैंने पहले स्क्वाड ऑफ का मतलब बाई स्क्वाड ऑफ का मतलब सिंपल समझो पोजिशन क्लोज करो बाई किया तो सेल करो सेल किया है तो बाई करो, तो करो मैंने सेल किया हुआ तो इसलिए अभी जो है स्क्वायर ऑफ मतलब बाइंग पोजीशन डिलीवरी नहीं करना आपको अगर डिलीवरी करते हो तो दूसरा ऑर्डर चला जाएगा आपका इंट्राडे किया था तो इंट्राडे ही करना है सेम एक्सचेंज किया था सेम एक्सचेंज ही करना है क्वांटिटी फाइव था क्वांटिटी फाइव ही रखना है या मार्केट प्राइस है अब इसको डिफरेंस कर सकते हो आप और सर मुझे लगता है कि और नीचे आएगा मुझे लगता है सिक्स एट्टी फोर आने वाला है तो सिक्स एट्टी फोर का मैंने ऑर्डर लगा दिया ऊपर से सेल किया मैंने नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा सिक्स एट्टी फोर का ऑर्डर लगा दिया मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर डे आई ओ सी है डे ही रखना है आपको और मार्केट डिस्क्लोज क्वान्टिटी स्टॉप लॉस तो छोड़ दो आप बाइक के ऑप्शन पर क्लिक करो जैसे ही बाइक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे कन्फर्म का ऑप्शन है कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दो सिंपल टर्म है आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है यहाँ पे गो टू ऑर्डर बुक पे आ जाओ जैसे ही आप गो टू ऑर्डर बुक पे आओगे यहाँ पे देख लो आपको ऑर्डर जो है पेंडिंग में बता रहा है मतलब 684 आएगा 3 पीएम सिक्स एट्टी से पहले तो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा लेकिन आपने शॉर्ट सेल किया हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बाई करें नहीं तो फिर से बोल रहा हूँ ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन दो कंडीशन में होती हैं अगर आपका मान लो स्टॉक्स क्या बोलते हैं ब्रोकर आपका स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए भूल गए दूसरा कि मान लो स्टॉक अपर सर्किट में वॉच लिस्ट में आता हूं मैं वॉच लिस्ट में आने के बाद मैं बता दूं आपको मान लो स्टॉक अपर सर्किट में अपर सर्किट में क्या होता है सीधा इस पे आ जाओ इस इसपे आ गया मैं अपर सर्किट में क्या होता है कोई भी यहाँ पे सेलर नहीं रहेगा तो आपको बाई करना है तो कोई भी सेलर नहीं रहेगा तो आप बाई कैसे कर सकते हो पॉसिबल ही नहीं है जब स्टॉक कोई देने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा तो आप बाई कैसे कर सकते हो तो इस कंडीशन में जो है आपको ऑप्शन होने वाला है तो वो चीज ध्यान रखना मैंने बता रखा है उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं हो सकता आपको ऑप्शन पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा वो कितना होगा वो डिपेंड करता है टी प्लस टू वर्किंग डेज को कितने प्राइस पे है अगर मान लो सिक्स एट्टी फाइव पे है और टी प्लस टू वर्किंग डेज के बाद ये चला गया सेवन ट्वेंटी पे और आपके पास थाउजेंड क्वान्टिटीटी है जो भी इसका डिफरेंस है थर्टी फाइव इन टू थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करो तो समझ गए ऑक्शन पेनल्टी कैसे होता है इसका मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा ये चीज़ आप क्लियर कर दिया मैंने अब आपको आना है फिर से ऑर्डर बुक पे ऑर्डर बुक पे आ जाओ यहाँ पे आप देख लो एच डी एफ सी लाइव जो है पेंडिंग है सिक्स एफ्टी फोर पे आएगा तो एग्जीक्यूट होगा नहीं सर जी मुझे स्क्वार ऑफ करना है ठीक है स्क्वार ऑफ करना है तो सिंपल है ऑर्डर बुक पे आना जो पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है इस पर क्लिक करना जैसे ही क्लिक करोगे मॉडिफाई कैंसिल है कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर को मॉडिफाई करो मॉडिफाई करोगे तो यहाँ पे देख लो आपको मार्केट दिख रहा है मार्केट पे टिक कर दो बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करो जैसे ही क्लिक करोगे मॉडिफाई ऑर्डर पे यहाँ पे देखो कंफर्म का ऑप्शन आएगा कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दो जैसे ही कन्फर्म का ऑप्शन पे क्लिक किया ऑर्डर सक्सेस हो चुका है आपका गो टू ऑर्डर बुक में आ जाओ जैसे ही आप गो टू ऑर्डर बुक में आओगे यहाँ पे देख लो आपको डिलीवरी वाले ऑर्डर को कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे आपने सेल किया था फाइव क्वान्टिटी यहाँ पे आपने बाई कर लिया पोजिशन क्लोज कर लिया ट्रेड पे आ जाओ ट्रेड पे आओगे तो यहाँ पे जो भी एच डी एफ सी लाइफ है आपने इंटरडे किया था सेल बाई किया था सेल कर दिया पोजिशन क्लोज़ कर दिया टू डे पोजिशन में आ जाओ इंटर डे करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है आपने प्रॉफिट किया लॉस किया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे देखो नेट क्वान्टिटी जीरो हो गया तो आपको यही करना है और शॉर्ट सेल करते हो या इंटराइट करते हो तो यही आपको जीरो करना है नेट क्वांटिटी जीरो करना है ए टी देखो यहाँ पे जीरो हो गया ये आपका डिलीवरी वाला स्टॉक इसको छोड़ दो ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म मतलब मैं बताने वाला हूँ कल इसको कैसे सेल करते हैं सिंपल है इसको आप ऐसे ही छोड़ दो इसमें आपको कुछ नहीं करना तो आप समझ गए कैसे जो है शॉर्ट सेलिंग करते हैं एस सिक्योरिटीज में ऐसे ही करते हैं जो भी आपका है अब आता हूँ यहाँ पे थ्री बार पे थ्री बार पे आ जाओ जिस जिसपे जैसे ही मैंने आया यहाँ पे देख लो आपका लिमिट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो सेवेंटी हंड्रेड फोर्टी रुपीज जो भी आपका है यहाँ पे दिख रहा है इंटर में आपका अमाउंट ब्लॉक हुआ है इतना ये अमाउंट जो ब्लॉक हुआ वो रिलीज हो जाएगा आपका कल जो भी गवर्नमेंट टैक्स ब्रोकरेज है वो डिडेक्ट होने के बाद जो भी पैसे हैं वो आपको यहाँ पे कल चले आएंगे और ये जो आपका डिलीवरी वाला अमाउंट है जो आपने आई टी सी बाय किया हुआ है उसका अमाउंट है जैसे ही आपका आई टी सी डिमिट अकाउंट में आएगा ये पैसे जो है आपका सेटल हो जाएगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट है मैंने बता रखा है सब कुछ कैसे क्या होता है लेजर यहाँ पे देखो आपको माइनस जो आपने प्रॉफिट लॉस बुक किया होगा यहाँ पे दिख जाएगा आपको प्रॉफिट साइड ना दिखे लॉस जो भी बुक किया होगा अपने लॉस यहाँ पे दिख जाएगा तो जो भी लॉस लेजर अपने बैलेंस यहाँ पे आज के लिए है लॉस बुक किया होगा ये आपको दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कैसे जो है आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो एस सिक्योरिटीज में तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगाओ कृपया लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ट्रेडिंग ऑडियो मेडिकॉन लिख जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को एट में आता हूँ वहाँ पे पूछ लेना सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहां भी आपको लर्निंग मेडियर दिखे ज्वाइन कर लो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद